एमपी में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार और महंगाई के अलावा कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरना चाहती है वो है सॉफ्ट हिंदुत्व। कांग्रेस ने ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। क्या है ये कांग्रेस की रणनीति, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस अलग अलग मौके पर लगातार कोशिश करती रही है। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का गठन भी कांग्रेस की इसी रणनीति का हिस्सा है और धर्म रक्षा यात्रा भी इसी रणनीति का एक और कदम है। प्रकोष्ठ के जरिए पीसीसी चीफ कमलनाथ की सीधी नजर पुजारियों से जुड़े वोट पर है। ऐसे में कांग्रेस ने एक गांव एक पुजारी 60 वोट का फॉर्मूला तैयार किया है, जिससे ब्राह्मण समाज के 40 लाख वोटर को अपनी ओर लाया जा सके। विंध्य, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र की सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स का सीधा असर है। 60 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण वोट बैंक अपना प्रभाव रखता है। पुजारियों के जरिए हर गांव के 60 वोटर्स को साधने पर कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस लगातार कमलनाथ सरकार के 15 महीनों में पुजारियों के मानदेय बढ़ाने के काम को जनता के सामने रख रही है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। जैसे जो पुजारी जो होते हैं मंदिर के, पिछली बार भी जब 15 महीने कमलनाथ सरकार थी तो उस समय ही पुजारियों के मानदेय बढ़ाने का काम सरकार ने किया था, कमलनाथ जी की सरकार ने। तो हम सदैव काम करते हैं और शिवराज जी सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और कुछ नहीं। तो इधर कांग्रेस के फॉर्मूले को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी कह रही है कि देश और प्रदेश में कांग्रेस का पूरा कैडर खत्म हो चुका है। देखिए, कांग्रेस चाहे दर्जनों प्रकोष्ठ बना दे या दर्जनों विभाग बना दे, कांग्रेस की सेहत पर फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरीके से उनका पूरा कैडर सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। विंध्य, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र की 60 से अधिक सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स सीधा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में अगर ब्राह्मण वोटर्स कांग्रेस की तरफ आते हैं तो पार्टी के लिए 2023 का रास्ता आसान हो जाएगा। दुष्यंत पराशर, IBC 24, भोपाल।